नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर स्वागत है आपका। बहुत दिनों से आप लोग मुझसे कह रहे थे कि मैम शादी के बाद वाला लोग समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा ट्राई करूँ। क्वारंटीन का फ़ायदा उठाकर सभी घर में ये सब ट्राई कर रहे हैं जो हम हमेशा नहीं कर पाते। सो आज थोड़ा सा गलत हो गया हो तो प्लीज़ अवॉइड। इन दिनों सबके साथ एक ही समस्या है कि किताबें ऑर्डर तो हो जा रही हैं लेकिन वो घर तक नहीं आ पा रही हैं। घर पे रहने के अलावा ये एक और बड़ी समस्या हमारे साथ आ गई है। मेरी खुद सारी किताबें जो बनारस में मैंने कलेक्ट की थी, इकट्ठी की थी और मुझे मिली थी, वो सब रास्ते में कहीं अटक गई हैं। पीछे जो आप ये रैक्स पर किताबें देख रहे हैं वो यतीन्द्र की किताबें हैं, मेरे हस्बैंड की, और मैंने जो किताबें सेलेक्ट की थी मेरी तो अभी यहाँ तक पहुँची नहीं है। तो मैं खुद भी बहुत दिन से परेशान थी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ। फिर आप सबके कॉमेंट्स भी आने लगे कि मैम कुछ ऑनलाइन रीडिंग के लिए बताइए, ई बुक्स बताइए। फिर मुझे लगा कि ये सही समय है अपने लाइफ में ई बुक्स को शामिल कर लेने का। इसके पहले भी मैंने किताबें डाउनलोड करके पढ़ी हैं लेकिन वो दो चार ही रही होंगी। लेकिन अब मैंने किंडल को बाकायदा इंस्टॉल कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, और हिंदी में किंडल पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप चुन सकते हैं। लेकिन आज आपके लिए मैंने एक रिसर्च करके खुद समय लगाकर उस पर अच्छी किताबें ढूंढी हैं और पूरी कोशिश की है कि आपके लिए कुछ शानदार, पचनीय और मज़ेदार किताबें चुन करके ले आऊँ। तो आज 20 ई बुक्स बताने वाली हूँ आपको जो किंडल पर मौजूद हैं, जिन्हें आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये किताबें शॉर्ट रीड हैं, यानी ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटी छोटी सी हैं, आप आराम से उन्हें पढ़ सकते हैं। और क्योंकि 20 किताबें बता रही हूँ तो आप उनमें से अपनी पसंद का कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना भूमिका को लंबा किए, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि आजकल हम सब कोरोना वायरस के डर से घर के अंदर हैं, क्वारंटीन है, इन्हें क्वारंटीन रीड्स भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ई बुक्स ही कहूँगी, ई बुक्स रीड, क्योंकि क्वारंटीन तो हमेशा नहीं रहेगा लेकिन ई बुक्स की ज़रूरत हमें कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। आइए शुरू करते हैं पहली किताब के साथ। पहली किताब है सत्यजीत राय की कहानियाँ। एक प्रसिद्ध फिल्मकार और कहानीकार सत्यजीत राय टीनेजर्स के फेवरेट लेखक रहे हैं। उनकी कहानियाँ सीधी और सरल भाषा में होते हुए भी बाल मनोविज्ञान पर ज़बरदस्त पकड़ रखती हैं। यहाँ इनकी 12 कहानियाँ हैं जो रहस्य, रोमांच और फैंटसी से भरपूर हैं। इन कहानियों में लेखक का जासूसी दिमाग भूत प्रेतों की दुनिया की भी खोज करता है और एक दूसरी दुनिया में आपको लेकर के जाता है। ये कहानियाँ आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। इनमें से एक भी कहानी ऐसी नहीं है जिसे आप बिना पूरा पढ़े बीच में ही उठ सके। जो अनुवाद है इसमें सत्यजीत राय के किस्सा गोई का असल स्वाद आपको मिलेगा। ज़रूर अपने लिस्ट में इसको शामिल कीजिएगा। अगली किताब है लियो टॉलस्टॉय की लोकप्रिय कहानियाँ। विश्व प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय की एक सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानियों में ईश्वर का होना। ईश्वर में उनकी जो प्रबल आस्था है, जो विश्वास है, वो उनकी कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ जितनी भी कहानियाँ इस किताब में आपको मिलेंगी, चुनी हुई 10 कहानियाँ हैं उनकी, उसमें देवता, परमात्मा, आत्मा, शैतान जैसी चीज़ों में मान्यताओं और विश्वास का जिक्र है, लेकिन जो भी है वो पूरी तरह तार्किक है। टॉलस्टॉय का ईश्वर मनुष्य की आत्मा का ही एक अंश है लेकिन आडंबर, पाखंडों और कर्मकांड से बिल्कुल जुदा। कहानियाँ सीधी, सरल, संदेशों से भरी और पठनीय हैं। कहीं कहीं लोक कथाओं सा आनंद देती हैं और जीवन जीने का सलीका सिखा जाती हैं। अगली किताब है रस्किन बॉन्ड की उड़ान। उड़ान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर उसको रिकमेंड कर रही हूँ। सन 1857 की क्रांति के दौरान घर से बेघर हुए एक ब्रिटिश परिवार के संघर्षों की कहानी है। रस्किन बॉन्ड एक ऐसे लेखक हैं जो हर वर्ग से जुड़ जाते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़े, हर कोई उनकी कहानियों से अपने आप को जोड़ लेता है। ज्ञान और मनोरंजन का शानदार कॉम्बिनेशन। तो फटाफट इस बुक को लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। अगली किताब भी रस्किन बॉन्ड की ही रिकमेंड करना चाहूँगी, रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ एक अनाथ लड़के रस्टी की कहानी है जो अपने चाचा के साथ, अंकल के साथ ज़बरदस्ती उनकी ज़्यादतियाँ सहते हुए भी रहने को विवश है और एक रोज़ कड़ी मनाही के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों को शामिल कर लेता है। फिर एक दिन वो घर छोड़कर भाग जाता है। आगे क्या होता है ये एक दिलचस्प किस्सा है। मैं तो कहूँगी रस्किन बॉन्ड की आपको जितने भी किताबें ना किंडल पर मिल जाए आप उनको ज़रूर अपने लिस्ट में रख लीजिएगा। रस्किन बॉन्ड हर किसी को पढ़ना चाहिए और अगर आप उन्हें पढ़ेंगे ना मुझे थैंक यू कहते हुए नहीं थकेंगे। चलिए अब आपको हिंदी के कुछ क्लासिक
क्लासिक रीड्स के बारे में बताती हूँ। वैसे किंडल पे बहुत अच्छा कलेक्शन है हमारे क्लासिक रीड्स का, लेकिन मैं फिलहाल आपको शॉर्ट रीड्स बता रही हूँ। तो इनमें से एक है प्रेमचंद की लिखी गबन, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी जहाँ स्त्री का गहनों के प्रति अगाध प्रेम उसके पति के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। चंद्रहार की इच्छा मन में लिए जालपा का यह छोटा सा ख्वाब कैसे उसके पूरे परिवार पर दुखों के पहाड़ की तरह टूट पड़ता है, ये जानना भाषा के जादूगर प्रेमचंद की भाषा शैली में बेहद रोचक और शानदार है। अगली किताब है राही मसूम रजा की लिखी नीम का पेड़। ये अली जामिन और मुस्लिम मियाँ नामक दो भाइयों के बीच दुश्मनी की कहानी है। ज़मीन और सियासत को लेकर के अदावतें कहाँ नहीं होती, तो यहाँ भी हैं। राजनीति का विद्रूप चेहरा, सियासी दाव पेच और इंसानियत के पतन की ये कहानी सिर्फ दो भाइयों के बीच जंग की कहानी नहीं है, बल्कि जामिन खां के नौकर बुधई और उसके द्वार पर खड़े नीम के पेड़ की कहानी भी है। दरअसल ये पूरी कहानी नीम का पेड़ ही आपको सुनाता है। राही मसूम रजा की बांध लेने वाली भाषा और उनके खास हिंदुस्तानी शैली आपके दिलो दिमाग पर काबिज हो जाएगी। अगली किताब है शरद चंद्र की लिखी दत्ता। अगर बांग्ला उपन्यासों के शौकीन है तो शरद चंद्र के उपन्यासों से तो वास्ता जरूर पड़ा होगा। वैसे ये कहना ही मेरा गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जिसे बांग्ला उपन्यास अच्छे नहीं लगते होंगे। दत्ता आपको बंगाल के सामंती दौर में वापस लेकर जाएगी। इसकी कहानी एक जमींदार की इकलौती बेटी विजया की है, जिसका पिता मरने से पहले अपने बेटी की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी दोस्त रास बिहारी को देकर जाता है। रास बिहारी उसकी जिम्मेदारी हड़पने के लालच से विजया की शादी अपने बेटे विलास से करना चाहता है। अब पिता पुत्र के इशारों पर नाचने को विवश विजया का दिल तो कहीं और अटका है। शरद चंद के उपन्यासों की खासियत ये होती है कि उनके जो स्त्री किरदार है वो बहुत सशक्त और स्वाभिमानी रहे हैं, तो विजया भी ऐसे ही है। क्या होता है जब उसे अपने पिता के पुराने चिट्ठियाँ मिलती हैं जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की है, ये आप कहानी पढ़कर जाने, उपन्यास पढ़कर जाने, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगली किताब की ओर बढ़ते हैं जिसे लिखा है खलील जिब्रान ने। किताब का नाम है मसीहा। अगर खलील जिब्रान को पढ़ा है तो इस नाम से ज़रूर परिचित होंगे, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि इस किताब से शुरू कीजिए। खलील जिब्रान की कहानियों की विशेषता होती है कि उन्होंने हमेशा जीवन, दर्शन और प्रेम को केंद्र में रखकर लिखा। उनकी कहानियों में कहीं कहीं लोक कथाओं सा आभास मिलता है। वो अपनी कहानियों के जरिए एक संदेश देते हैं, जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं। इस किताब में भी एक ईश्वर के दूत की कहानी है जो 12 वर्ष विदेश में बिताकर वापस लौट रहा है, लेकिन वापस लौटने से पहले ही उस देश के लोग उसे रोक लेते हैं और उससे जीवन का सच जानना चाहते हैं, जीवन का सत्य, जीवन जीने का तरीका और दर्शन जानना चाहते हैं। तो फिर इन किताब में उसने उनको कैसे जीवन का दर्शन समझाया, इसकी कहानियाँ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि सहेज कर रखने लायक किताब है। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं। यात्रा साहित्य या फिर ट्रेवल लॉग पढ़ने के शौकीन हैं तो अगली किताब आपके लिए है, नास्तिकों के देश में नीदरलैंड। प्रवीण झा की लिखी ये किताब लेखक की नीदरलैंड यात्रा का वर्णन है। नॉर्वे से नीदरलैंड पहुंचे एक बैकपैकर द्वारा नास्तिकों, नशेड़ियों और गंजेड़ियों की खोज नीदरलैंड के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराती है। वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, लोग और उनकी आदतों से जुड़े रोचक किस्से चौंकाते हैं, अचंभित करते हैं। और अगर घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपकी ड्रीम प्लेस की लिस्ट में एक नया नाम भी जोड़ते हैं, नीदरलैंड। प्रवीण झा की ही एक अगली किताब भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, जिसका नाम है भूतों के देश में आइसलैंड। भूतों से मिलने की इच्छा लिए लेखक जब भूत प्रेत का निवास माने जाने वाली जगह आइसलैंड पहुँचता है तो वहाँ उसे किस तरह के अनुभव होते हैं। एल्व और होल्डूफोक नामक अदृश्य जीव और ट्रॉल नामक डायन का पता लगाते हुए लेखक इन्हीं बहाने से वहाँ के जनजीवन, संस्कृति, मान्यताएं और विश्वासों के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारियां देता है। मुझे यकीन है कि भूत प्रेत और सुपर नेचुरल पावर पे इसके साथ सामंजस्य बिठाकर उन्हें अपने ही जीवन का एक हिस्सा मानने वाले इस देश की रोचक यात्रा का वर्णन आपके रोंगटे ज़रूर खड़े कर देगा। अगली किताब आपको बताऊंगी गौतम राजऋषि की लिखी हरी मुस्कुराहट वाला कोलाज। गौतम राजऋषि एक फौजी हैं और इस किताब में उन्होंने फौजी जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, फौजियों का कठोर जीवन और उनके मजबूत इरादों के पीछे छिपे नरम दिली के किस्से समेटे हैं। इन कहानियों में सिर्फ सीमाएं, फौजें और बंदूकें ही नहीं बल्कि इंसानी रिश्ते, डर, मोहब्बत, मुस्कुराहटें और आंसुओं ने भी अपनी हिस्सेदारी बांटी है। एक फौजी की नज़र से
ज़िंदगी की पेंटिंग में रंग भरती ये किताब अगर आपको किंडल पर दिखे तो तुरंत ऐड कर लीजिएगा। अगली किताब है गीता श्री की लिखी लेडीज़ सर्कल। इस किताब को किंडल पर देखते ही मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये मेरे TBR लिस्ट में बहुत दिनों से थी। गीता श्री जी को बहुत दिनों से मैं पढ़ना चाह रही थी लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी किताबें क्योंकि रास्ते में अटक गई हैं, तो जब मैंने इसे किंडल पर देखा तो फटाफट पढ़ डाला। इसकी जो कहानियाँ हैं किताब के अनुसार एक कस्बाई परिसर की बेबाक कहानियाँ जहाँ कोई पर्देदारी नहीं है। यहाँ बदलते हुए दौर के सिमटते हुए यथार्थ को जस का तस उकेरा गया है। इस किताब में वो औरतें हैं जो अपनी मुश्किलों से निपटने के नए रास्ते खोजती हैं। आज़ाद औरतें, सजग औरतें, कभी सिसकती तो कभी खिलखिलाकर अपनी मुश्किलों को मात देती औरतें। बेहद खुली हुई भाषा, बेहद पारदर्शी, मुझे तो बहुत भा गई, यकीन है आपको भी पसंद आएगी। अगली किताब है द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल। ये एक ऐसी किताब है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है, सबसे ज़्यादा बिकी है। एक एन फ्रैंक नाम की एक जर्मन लड़की को उसके जन्मदिन पर एक डायरी तोहफे में मिलती है जिसमें उसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1944 के बीच के अपने दर्दनाक अनुभव बयां किए हैं। नीदरलैंड में छिपा हुआ, नाजियों के डर से छिपा एन फ्रैंक का परिवार और उसके जैसे अन्य परिवारों पर हुए अत्याचारों की ये एक मर्मस्पर्शी दस्तावेज है जो एन फ्रैंक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। अगर आपके सिलेबस में है तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी, नहीं है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मोटिवेशनल किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो एक किताब आपको ज़रूर मैं किंडल पे रिकमेंड करूंगी, जो है जोसेफ मर्फी की लिखी अवचेतन मन की शक्ति। इसमें जोसेफ मर्फी जो है वो आपको आपके अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके सफल होने के तरीके बताते हैं। यहाँ वो स्पष्ट करते हैं कि किस तरह आपके अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस जो माइंड है, उसकी शक्ति का प्रयोग करके आप जीवन में वो सब पा सकते हैं जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। फिर चाहे वो आपकी मनचाही जॉब हो, आपके बेहतर रिश्ते हो, किसी बुरी आदत से छुटकारा हो या फिर चिर युवा रहने के रहस्य। तो क्योंकि हर किताब जो होती है वो हर इंसान पर अलग अलग तरीके से असर करती है, स्पेशली मोटिवेशनल किताबों के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्या पता आपके काम आ जाए, आपको कोई बहुत अच्छी और ज़रूरी चीज़ सीखने को मिल जाए। एक और मोटिवेशनल बुक आपको रिकमेंड करूँगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी रिच डैड पुअर डैड। यह किताब पैसे की व्यवहारिक समझ, उसके इस्तेमाल का सही तरीका और अमीर बनने के पीछे की सही सोच उजागर करती है। अगर आप अपनी आर्थिक समझ मजबूत करना चाहते हैं, पैसे बनाने के नए तौर तरीके, नई सोच समझ विकसित करना चाहते हैं, व्यापार और निवेश की बेसिक जानकारी पाना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड आपके लिए ही है। अगर काव्य संग्रह का वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं किंडल पर आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। मैं आपको कुछ क्लासिक रीड सजेस्ट करना चाहूँगी जिनमें से एक है रामधारी सिंह दिनकर के लिखा का लिखा काव्य नाटक उर्वशी। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और पृथ्वी के राजा पुरुरवा की प्रेम कथा है जिसे दिनकर जी ने काव्य नाटक के रूप में रचा। देवता और मनुष्य, प्रेम और आध्यात्म के बीच का सुंदर संयोग ही इस काव्य नाटक की जान है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी जब एक रोज जिज्ञासावश पृथ्वी पर आती है तो उसे एक मनुष्य से प्रेम हो जाता है। भूलोक के सुख भोगने की उसकी इच्छा किस तरह दो संस्कृतियों के टकराहट की वजह बनती है, यही आप इस काव्य नाटक में पढ़ेंगे। एक बात और, अगर आपने इसे अपने सिलेबस में पढ़ लिया है तो मेरी मानकर एक बार फिर से इसे सिर्फ एक किताब के रूप में पढ़ें, यकीन मानिए यह आपके अजीज किताबों में शामिल हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर का है लिखा एक खंडकाव्य भी आपको रिकमेंड करूंगी, रश्मिरथी। रश्मिरथी 7 सर्गों में बटा एक खंडकाव्य है जो महाभारत के कर्ण की जीवन गाथा है। ये जो गाथा है इसमें ये अपने पैने संवादों, अपने प्रेरणास्पद पंक्तियों और वीर रस से ओतप्रोत होने की वजह से हर पढ़ने वाले में एक उत्साह, एक जोश पैदा करती है। मैं जब भी कभी बहुत शांत होती हूँ या कभी बहुत आलस्य सा महसूस करती हूँ तो रश्मिरथी पढ़ना मुझे हमेशा एक नई ऊर्जा से भर देता है, यकीन है आपको भी बहुत पसंद आएगी। शेर व शायरी, गज़लें, गीत, नज़मों के शौकीन हैं तो किंडल पर भी बहुत कुछ मिलेगा आपको, जिनमें से एक मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी, निदा फाजली का संग्रह दुनिया जिसे कहते हैं। निदा फाजली साहब की जो शैली है वो बहुत बेजोड़ है। उनकी जो रचनाएं होती हैं उसमें क्रिएटिविटी तो होती ही है, उनकी शायरियों में एक बेतकल्लुफी भी होती है। उर्दू साहित्य में उनका ये अंदाजे बयां ही उनकी खास पहचान है। धूप में निकलो, घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है,
किताबों को हटा कर देखो, ये कहकर दिल छू लेने वाले निदा फाजली का ये संग्रह सिर्फ पढ़ने ही नहीं सहेज कर रखने लायक किताब भी है। अगली किताब है मुनव्वर राना के लिखे शेरों का संग्रह, जो एक ही गज़ल के रूप में इस किताब में शाया है, मुहाजिरनामा। जब पहले पहल मैंने शेर पढ़ना शुरू किया था तो ये मेरी पहली किताब थी और तब से मैं मुनव्वर राना जी के प्रशंसकों में शामिल हूँ। बंटवारे के वक्त अपनी मातृभूमि छोड़कर दूसरे मुल्क में जा बसे मुस्लिम लोगों का दर्द, उनकी बेचैनी, उनके चिंता, उनका इंतज़ार, उनके आंसू, सब कुछ नुमाया है इन शेरों में। एक एक शेर दिल पर चोट करता है। मुहाजिर होना क्या होना होता है, ये इस गज़ल को पढ़कर आप जान सकेंगे। ये मेरी इतनी ज़्यादा पसंदीदा किताब है, मेरे इतने करीब है दिल के कि मैं इसे बार बार पढ़ सकती हूँ, रोज़ रोज़ पढ़ सकती हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। एक और गज़ल संग्रह की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी और वो है गौतम राजऋषि के लिखे गज़लों का संग्रह, पाल ले एक रोग नादा। यूँ तो आपने किसी फौजी का शायर हो जाना सुना होगा, लेकिन गौतम राजऋषि जिस तरीके से गज़लें मुकम्मल करते हैं वो अंदाज़ आम नहीं। उनकी शायरी में चांद, महबूब, उदास रातें, प्रेम तो है ही, साथ ही आम इंसान की समस्याएं भी हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे भी हैं। कहीं न्यूज़पेपर, कार, फ़ोन, बाइक जैसी दुनियावी चीज़ें उनकी शायरी में आकर खूबसूरत हो उठी हैं, तो कहीं किसी फौजी की मनः स्थिति को उन्होंने हूबहू गज़लों में ढाल दिया है। मुँह से खुद ब खुद वाह निकल उठती है जब लिखने वाला लिखता है, ट्रेन ओझल हो गई, एक हाथ हिलता रह गया, वक्त रुखसत की उदासी चूड़ियों में आ गई, अत खुली रखी रही यूं ही वो नॉवेल गोद में, उठ के पन्नों से कहानी सिसकियों में आ गई। तो ये आज की 20 किताबें थी जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं ई बुक्स के रूप में, किंडल पर आपको मिल जाएंगी। मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ किताबें ज़रूर आपके पसंद की होंगी, मतलब कुछ जो जॉनराज हैं वो आपके पसंद के होंगे और आप उन्हें ज़रूर पिक करेंगे। इनमें से कौन कौन सी किताबें आपने अपने लिस्ट में शामिल की मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब का बटन अगर रेड है तो क्लिक कर देंगे तो मुझे भी तसल्ली होगी कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ। अभी के लिए चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खूब सारी किताबें पढ़िएगा, घर पर रहिएगा, टाटा बाय।